देखिए, किसी क्रय मूल्य का तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ या हानि हुई वो बताना है। तो 4:5 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं। जब पहले क्रय मूल्य लिखा गया है तो पहले वाला क्रय मूल्य होगा, बाद में विक्रय मूल्य गया है तो बाद वाला होगा। तो 4/5 यानी कि विक्रय मूल्य तो हो गया 5 और क्रय मूल्य हो गया 4। जब कोई चीज़ 4 की हमने खरीदी है, 5 रुपये में बेच दी, तो उस पर 1 रुपये का लाभ हो गया। तो 4 रुपये पर 1 का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 25% इसका लाभ हो गया। अब है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 है। वही है कि पहले क्रय मूल्य है तो पहले वाला क्रय मूल्य होगा, और बाद में विक्रय मूल्य दिया है तो बाद में विक्रय मूल्य होगा। तो 5/7 यानी कि नीचे वाला विक्रय मूल्य है, ऊपर वाला क्रय मूल्य है। जब कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी जाती है, 7 में बेच दी जाती है, तो उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो 5 रुपये पर 2 रुपये का प्रॉफिट, इसको हम परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ गया, और ये इसका लाभ है और यही आंसर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य की 1/5 के बराबर हानि होती है, यानी कि ये क्रय मूल्य 5 है और इस पर 1 रुपये की हानि हो गई है, 5/1 की हानि। जब 5/1 की हानि होती है, इसका मतलब है वो चीज़ 5 की थी, 4 में बेची गई होगी, तभी तो 1 का लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो 5/1 की हानि, तो 5/1 की हानि प्रतिशत निकालेंगे तो इसको काटने के बाद 20% की हानि यही